आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर की एक ऐसी डिश, ऐसी रेसिपी जो आज तक आपने कभी नहीं खाई होगी। सभी पनीर की रेसिपीज के आगे फेल हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली है। इसका नाम है पनीर लबाबदार। आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पनीर लबाबदार बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच में तेल डाल रही हूँ, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच जीरा डाल लेंगे, जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। साथ ही साथ कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने, तो 2 मैंने टुकड़े यहाँ दालचीनी के लिए हैं, 2 इलायची ली हैं, 3 से 4 लौंग और 7 से 8 काली मिर्च। इन्हें भून लेंगे हम अच्छे से करीब करीब 2 मिनट के लिए। अब मैंने यहाँ 2 प्याज लिए हैं जिसको मोटा मोटा कट कर लिया, यानी कि रफली चॉप कर लिया है। इन्हें भी हम भून लेंगे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैंने यहाँ 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 2 इंच टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है जिसको कट कर लिया है। इन्हें भी हम भून लेंगे अच्छे से। इसकी हम प्यूरी बनाने वाले हैं। 2 मैंने यहाँ हरी मिर्च ली है जिसको मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इन्हें हम भून लेंगे अच्छे से। ये मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैंने 2 टमाटर लिए हैं जिसको रफली चॉप कर लिया है। इसे भी भून लेते हैं हम अच्छे से। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब 10 से 12 मैंने काजू लिए हैं और 1 बड़ा चम्मच मैंने मेलन सीड लिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और एकदम पनीर हमारा लबाबदार बनेगा। तो चलिए इसे भी हम पका लेते हैं। अब स्वाद अनुसार मैंने नमक लिया है, यानी कि आधी छोटी चम्मच नमक लिया है। 1 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और कलर भी आएगा। तो इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और 1/2 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब इसे ढक कर हम करीब करीब 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, जिससे टमाटर और काजू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे ढक कर पका लेते हैं करीब करीब 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गई है, अब चेक कर लेते हैं। देखिए, टमाटर, काजू और मेलन सीड अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। और जो खड़े मसाले हैं, दालचीनी या इलायची, उसे हम निकाल लेते हैं। अब एक पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच में घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं या बटर भी ले सकते हैं। अब 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे और 1/2 छोटी चम्मच ही मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसे भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब जो प्यूरी हमने बनाई है वो डाल लेंगे। देखिए, प्यूरी का कलर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा आया है क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल ली थी। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्यूरी यहाँ आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली, जैसे भी आपको पसंद हो आप रख सकते हैं। तो जिसमें हमने प्यूरी रखी थी उसी बर्तन में हम 1/2 कप पानी डाल लेते हैं और इसमें डाल लेंगे हम, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हम पका लेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने इसे पका लिया है। 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। नमक ध्यान से डालना, पहले भी हमने डाल लिया था नमक। 1/2 छोटी चम्मच मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे इसमें अच्छे से तेल रिलीज हो जाएगा। तो ढक कर हम पका लेते हैं इसे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसने तेल अच्छे से छोड़ दिया है। यहाँ मैंने 50 ग्राम ग्रेटेड पनीर लिया है। पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, ये मिक्स कर देंगे। पनीर लबाबदार जब हम बनाते हैं तो पनीर को ऐसे ही डालते हैं, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे इसका टेस्ट एकदम लाजवाब हो जाता है।
और 2 चम्मच मैंने यहाँ फ्रेश क्रीम ली है। आप चाहें तो जो दूध में मलाई आती है वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आधी छोटी चम्मच हम इसमें चीनी डाल लेंगे, क्योंकि पनीर लबाबदार में हल्की सी मिठास होती है, तो चीनी डाल लेंगे हम और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आधी छोटी चम्मच मैं इसमें भुनी हुई कसूरी मेथी डाल रही हूँ। मैंने तवे पर इसे भून लिया है और अच्छे से क्रश करके डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी। तो ये मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। टोटल 250 ग्राम मैंने पनीर डाला है, 50 ग्राम ग्रेट करके, और 200 ग्राम मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। आप मैंने इसे ट्रायंगल में कट किया है। आप चाहें तो इसे जैसे भी आपको पसंद हो, क्यूब्स में या फिर ट्रायंगल में, जैसे पसंद हो आप डाल सकते हैं। पनीर डालने के बाद इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो पनीर टूट जाएगा। इसे ढक कर हम 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। 5 मिनट हो गई है, देखिए तेल अच्छे से छोड़ दिया है और पनीर में सभी मसालों का टेस्ट अच्छे से आ गया है। तो ये बनकर तैयार हो गया है पनीर लबाबदार। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन पनीर लबाबदार ऐसा ही होता है। तो 2 चम्मच इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल लेंगे हम। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक कर ऐसे ही छोड़ देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो 2 मिनट ढककर हम इसे ऐसे ही रख देते हैं, जिससे सारे फ्लेवर इसमें आ जाएंगे। तो ये लीजिए, पनीर लबाबदार एकदम तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ये एकदम लबाबदार, मुंह में खल जाने वाला पनीर बना है। थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे इसे ग्रेटेड पनीर से। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।